विमानी का कॉमिक्स जो है ये जो काला पानी कॉमिक्स आप बोल रहे हैं ये एक कंटेम्प्रेरी इम्प्रिंट है विमानी का कॉमिक्स का। विमानी का कॉमिक्स जो है वो एक एंशिएंट मिथोलॉजी के कॉमिक्स हैं जो हम पब्लिश करते हैं, और हमने 12 इयर्स अगो शुरू किया था ये कंपनी, ऑफिशियली लॉन्च की थी मुंबई से, और ये अवार्ड विनिंग कंपनी डील करती है विथ पब्लिशिंग मेनली एंशिएंट इंडियन कंटेंट जो हमारे गॉड्स और गॉडेसेस से रिलेटेड है। और उसके आगे जब हमने सोचा कि एक जॉनर जो हमारा मिथोलॉजी का हो रहा है पब्लिश, हम एक टारगेट ग्रुप को हिट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक कंटेम्प्रेरी इम्प्रिंट निकाले जिसका नाम है काला पानी कॉमिक्स, और जिसमें हर तरह के कंटेंट जो है पब्लिश होते हैं बेसिकली। तो इंस्पायर होते हैं आप, मतलब जो बहुत सारे हमने देखे कार्टून्स एकदम डिफरेंट टाइप के हैं, कैसे इंस्पायर होते हैं, मतलब क्या प्रोसेस रहता? देखो हम बेसिकली जो हम आप जो कार्टून्स कह रहे हैं इलस्ट्रेशन और जो आर्ट होता है वो जो आर्ट होता है हम इंस्पायर होते हैं थ्रू स्टोरी। पहले हम लोग स्टोरी के बारे में सोचते हैं, विजुलाइज़ करते हैं, मेरा काम है विजुलाइज़ करना। मैं एक ऑथर हूँ, मेरा पब्लिश बुक भी है मार्केट में, और मेरा जो स्टार्ट है फाउंडेशन कंपनी में मैंने विजुलाइजेशन से शुरू किया, इमेजिनेरिंग से। जैसे इंटरनेशनली बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपने जो मेन फाउंडेशंस हैं आर्टिस्ट से पहले और राइटर से पहले आदमी इमेजिन करता है स्टोरी को, उनको इमेजिनियर बुलाते हैं। तो हम एक इमेजिनियर हैं, हमने स्टोरी इमेजिन की, विजुलाइज़ की, फिर मेरे जो राइटर्स हैं उनने आगे जाके वो स्टोरी को ब्रेक डाउन करके स्क्रिप्ट में बनाया, फिर वो स्क्रिप्ट को हमने आगे आर्टिस्ट को पास ऑन किया हमारे स्टूडियोज़ में जो अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हैं, और उनने आगे जाके वो आर्टवर्क को क्रिएट किया स्टोरी बोर्ड में, रफ में, फिर एक एक्चुअल इलस्ट्रेशन में किया जो पेंसिल्स हम कहते हैं ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद में वो कलर में जाता है, कलर होके फिर एडिट होता है, फिर कॉमिक बुक बनती है। और उस कॉमिक बुक में अबाउट 70-200 पेजेस होते हैं, हम उन्हें ग्राफिक नॉवल बुलाते हैं, और वो जो ग्राफिक नॉवल होती है उसके जो आर्टवर्क्स होते हैं अंदर, हमारे विमानिका ने डिफरेंट क्या किया दूसरों से, हमने वो आर्टवर्क्स को लेके आगे हमने उस आर्टवर्क्स को दूसरे मर्चेंडाइज और प्रोडक्ट्स में ट्रांसिशन किया, जैसे पासपोर्ट होल्डर्स हो गए, मोबाइल केसेस हो गए, टॉय फिगरिंग्स हो गए, एक्शन फिगरिंग्स जो हमने अभी भी लॉन्च किए हैं, पोस्टर्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, अपैरल्स। तो जहाँ भी ये हमारे गॉड्स और गॉडेसेस विथ रिस्पेक्ट आ सकते हैं हमने उनको उस लाइन ऑफ मर्चेंडाइज में ट्रांसलेशन कर दिया। कॉमन इंडिविजुअल्स एज इन मुझे समझ नहीं है। हाँ ओके सी, अभी ये जो क्रिस कैथिन का जो है हमारा जो काला पानी का इम्प्रिंट है, इसमें जो हमने किया है एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर है, वर्ल्ड वाइड इनका ब्रांड है बहुत बड़ा, इनके अपने जिम्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, एंड क्रिस कैथिन ऐसे ट्रेनर हैं जिनने बड़े बड़े हस्तियों के बॉलीवुड के एक्टर्स को ट्रेन किया हुआ है, जैसे ऋतिक रोशन हो गए फॉर क्रिश 3, देन वी हैव रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, इन लोगों को उनने एक्चुअली ट्रेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये जो क्रिस कहते हैं इनके ऊपर हमने ये ग्राफिक नॉवल बनाया जो सुपर हीरो का स्टोरी हमने क्रिएट किया है, और एक तरह से एक टीचिंग्स भी इनके जो जिम में जो सिखाते हैं वो टीचिंग्स जो हैं ग्राफिक नॉवल में हमने मर्ज कर दी स्टोरी के साथ, तो एक इंटरटेनिंग भी हो गया और साथ साथ में एजुकेशन भी हो गया, यू नो। और दूसरे जो टाइटल है हमारा डॉक्टर एम, ये एक कॉमन इंडिविजुअल पे है, जैसे एक डॉक्टर है होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उन पे हमने ये स्टोरी बनाई और उनको एक सुपर हीरो बना दिया। तो हम लोग ये दिखा रहे हैं कि एनी इशू इन लाइफ रिलेटेड टू डिजीज़, हमने एक बहुत अलग सा एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट बनाया जो एक सुपर हीरो होम्योपैथी डॉक्टर होता है जिसके पास में सब सोल्यूशन होता है फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज़ इन द वर्ल्ड, तो वो लोगों को ऐसे बचाता है उसके एडवेंचर्स में। तो ये एक हो गया, और एक एल्ड्रिज क्रॉनिकल्स हैं, एक 15 ईयर ओल्ड बॉय ने लिखा है, 15 साल का लड़का होएगा उसने लिखा है, फिर हमने उसकी स्टोरी लेके स्क्रिप्ट डाउन करके ब्रेक डाउन करके एक सुपर हीरो टेल बनाई एल्ड्रिज क्रॉनिकल्स, जिसमें एक एवेंजर्स का एक फील लेके आते हैं हम लोग, और हम लोग तरह तरह के
जो बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड से, उनको हम कनेक्ट करा के सुपर हीरो स्टोरी बनाते हैं, वो अपने एडवेंचर में जाते हैं, यू नो। तो ये हाँ जी, सी दिस एक्सपो इज़ मोर फोकस्ड बी टू बी एक्सपो देन अ बी टू सी, यू नो। तो बी टू बी में हम लोग ये लाइसेंस में फोकस करते हैं मोस्टली, एंड लाइसेंसिंग में ये हमें हेल्प कर रहा है इन अ लॉन्ग टर्म बिजनेस विच इज़ कनेक्टेड टू बी टू बी। तो उसमें ये हमें एडवांटेज, एक एज दे रहा है जिसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं उन पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ में, जिनके साथ हमारे लाइसेंसेस वो अच्छी तरीके से आगे एक्सपैंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल, किसके पास एक अपैरल्स की कंपनी है और वो चाहते हैं एक यू नो हार्ड हिटिंग डिफरेंट डिज़ाइंस अपने टी शर्ट्स में, तो वो हमसे लाइसेंस लेते हैं और हमारे जो ग्राफिक्स हैं वो अपने टी शर्ट्स में डाल के आगे सेल करते हैं, रिटेल करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। हाँ जी। सो सर, एनी प्लान्स टू मेक अ एनिमेटेड मूवी आउट ऑफ दिस? यस, वी हैव प्लान्स, वी आर इन टॉक्स विद अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज ऑन एनिमेशन एंड लाइव एक्शन प्रोडक्शन हाउसेज, यू नो। एंड आई एम इज टू मेक इट अ, इन फैक्ट आई एम फोकस्ड ऑन मेकिंग इट अ लाइव एक्शन मोर देन अ एनिमेशन, यू नो। द लाइव एक्शन हैज़ अ लॉट ऑफ बिग रिस्पॉन्स, स्पेशली आफ्टर अ मूवी लाइक बाहुबली। जो हमारा इंडियन सिनेमा का जो पोटेंशियल है पूरे वर्ल्ड में और एक्सपैंड हो गया, यू नो, एंड पीपल वॉन्ट टू नो वॉट इज़ कमिंग। और अब लोग ये करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अलग कंटेंट विच इज़ क्रिएटिव, ओरिजिनल और इंडिजीनियस, जो इंडियन टच के साथ आता है, कल्चर के साथ रिलेटेड है। तो हमारा सब कुछ कल्चर के साथ रिलेटेड है, जो हमारा फाउंडेशन है कंपनी का। हमारी जो बुक है जो मैंने लिखी है, द सिक्स लेजेंड ऑफ करना, वो जो है बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज के साथ में बात चल रही है टू मेक इट इन टू अ लाइव एक्शन। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।